हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अगेन जनरल नॉलेज इस टॉपिक के टॉप 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा पैक के साथ। सो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम बेस्ड किए, सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए। चलिए फिर आज के स्पेशल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज सिचुएटेड एट। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, न्यूयॉर्क। करंटली इसके 193 मेंबर कंट्रीज है और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से है। और देखिए दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया यूएनओ की मेंबर कंट्री कब बनी, तो वो बनी थी 30 अक्टूबर 1945 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने जुलाई 1947 में अपना कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल इन लिटरेचर, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन बी के साथ, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय नागरिक थे जिन्होंने 1931 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, 25 जनवरी। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन भारत के चुनाव आयोग की भी स्थापना की गई थी, इसलिए इस दिन को वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। When इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम वॉज इस्टेब्लिश्ड, भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, इन 1937। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की स्थापना 1937 में की गई थी। अगला देख लेते हैं। फ्लोरिकल्चर डील्स विद, फूलों की खेती से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसके क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा है, राइट? सो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, फ्लावर्स। फ्लोरिकल्चर जो है वो फ्लावर्स से डील करता है। नेक्स्ट, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल ऑफ इंडिया, किस शहर को भारत के मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 500 से भी अधिक मंदिर स्थापित है, इसलिए इसे भारत के मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, वुलर लेक। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है और ये जम्मू एंड कश्मीर में बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों, आप अपने लाइक्स के थ्रू अपना प्यार मुझे भेजते ही हो, बट प्लीज़ गाइस कमेंट भी क्या करो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, आपको और किन टॉपिक पे ऊपर वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूँगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटागन इज द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ, पेंटागन किसका सैन्य मुख्यालय है? सो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, यूएसए। पेंटागन ये यूएसए का मिलिट्री हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति जो है वो भारत में 1968 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? सो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ,
पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया इन्होंने 1921 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। 15 अगस्त के पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में इसे अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम इनटू फोर्स। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो आपका आंसर रहता ऑप्शन सी के साथ, 26 जनवरी 1957। जम्मू एंड कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को अपनाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को भारत में विशेष दर्जा दिया गया है। ये भारत का एकमात्र राज्य था जिसका अपना खुद का संविधान था, बट 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रेसिडेंट के आदेश द्वारा इसे निष्फल कर दिया और तब से ये लागू होना बंद हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर। भारत में विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो था ऑप्शन ए के साथ, चाइना। चाइना जो है वो पूरे विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और बाद में आता है हमारा इंडिया। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और फर्स्ट पे चाइना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर ऑफ इंडिया। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था बंगाल गैजेट, ऑप्शन बी। बंगाल गैजेट ये एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था और इसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था, और ये कब शुरू किया था? ये 1780 में शुरू किया था। बॉम्बे समाचार जो है वो 1822 में स्टार्ट किया था, और द हिंदू जो है वो 1878 में स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, न्यू दिल्ली। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका फाउंडेशन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में। आगे बढ़ते हैं, जालियनवाला बाग इज सिचुएटेड इन। जालियनवाला बाग कहाँ पर स्थित है? जालियनवाला बाग ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, अमृतसर। जालियनवाला बाग ये अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट, विच गैस यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार किस गैस का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था क्लोरीन का, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सेकंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे आता है छत्तीसगढ़, फोर्थ पे आता है ओडिशा, और फिफ्थ पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेहरू कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। सो इसका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं, आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा ये शहर उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के तट पर स्थित है। सो आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मदर टेरेसा वोन द नोबेल प्राइज। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी द्वारा मदर टेरेसा को 1979 में शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, 1979। मदर टेरेसा ने भारत में गरीबों के बीच रहकर उनकी मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने एक नए संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी की भी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, हवा महल इज फाउंड इन। हवा महल कहाँ पे पाया जाता है? हवा महल ये राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। सो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, जयपुर। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। ये 5 मंजिला इमारत जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां है। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है कल्पना चावला, ऑप्शन बी। कल्पना चावला ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। आगे बढ़ते हैं, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ पे है? तो
तो वो है इंडिया में, ऑप्शन डी, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लोटस टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया. भारत में लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? भारत में लोटस टेम्पल ये दिल्ली में स्थित है. सो आंसर जाते ऑप्शन ए के साथ, दिल्ली. आगे बढ़ते हैं. विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया. भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था. सो आंसर जाते ऑप्शन सी के साथ, आर्यभट्ट. भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था और इसका निर्माण जो है वो इसरो द्वारा किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है. सो आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, गंगा नदी. गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है. आगे बढ़ते हैं. फ्रीडम ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. फ्रीडम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फ्रीडम ट्रॉफी ये क्रिकेट खेल से संबंधित है, ऑप्शन सी, जिसे गांधी मंडेला ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है. ये क्रिकेट ट्रॉफी है जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के विनर को दी जाती है. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट हैज़ हायर एजुकेशन रेट इन इंडिया. भारत में किस राज्य में उच्च शिक्षा दर है? तो वो है केरला में, ऑप्शन ए. केरल में भारतीय स्टेट में लिटरेसी रेट सबसे अधिक है. वर्तमान में ये रेट है 96.2% और दिल्ली आता है सेकेंड नंबर पे. दिल्ली का जो लिटरेसी रेट है वो है 89%. आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इंडिपेंडेंस डे सेम एज इंडिया. किस देश का स्वतंत्रता दिवस भारत के समान है? तो वो है साउथ कोरिया का, ऑप्शन सी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया. यहाँ पे अभी फिलहाल ऑप्शन में साउथ कोरिया है इसलिए हम यहाँ पे टिक करें. अगर एग्जाम में नॉर्थ कोरिया दिया हो तो आपको नॉर्थ कोरिया पे टिक करना है. ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो. वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके. मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.